तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बस एक बार बोलना चाहूँगा, जाओ अभी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जाके यार फॉलो कर लो यार। फॉलो करने में क्या जा रहा है अगर आपकी इंस्टा आईडी है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक डोरेमोन की जीएफ के बारे में, मतलब डोरेमोन की गर्लफ्रेंड्स के बारे में हम लोग आज टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इनको मैं लाइन मतलब 1 2 3 मतलब तीन हैं और मैं बताऊंगा कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी होगी डोरेमोन के लिए। तो गाइस आप लोग को पता है कि मीचैन, और मीचैन ही आप लोग जानते हो कि वो डोरेमोन की जीएफ वगैरह वगैरह की वही है और सारे एपिसोड में हमें वही दिखती है। तो गाइस आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप लिखते हैं गूगल पे डोरेमोन जीएफ तो गाइस वहाँ पे नाम आता है तिजुका का नाम आता है वहाँ पे। तो गाइस बहुत ही अजीब सा ये फैक्ट मैं ये चीज़ है, एक बार आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं डोरेमोन की 3 GF मतलब 3 ऐसा बार हुआ था कि डोरेमोन को वो अच्छा लगा था। जैसे कि गाइस फर्स्ट नंबर पे आते हैं मीचैन, तो गाइस उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। गाइस मीचैन गाइस ये डोरेमोन के लगभग सारे ही एपिसोड में ये दिखाई देती है, और गाइस डोरेमोन भी इसको बहुत चाहता है और ये भी मतलब, पर ये होता है ना कि ये जो डोरेमोन रोबोट है और ये एक रियल कैट है, तो यार इनमें जोड़ी थोड़ी बनती नहीं है। और आप लोग भी पता है क्योंकि जहाँ रोबोट डोरेमोन जैसा रोबोट और डोरेमोन जैसा रोबोट अगर एक कैट को चाहने लगे, लेकिन गाइस कैट में कभी ऐसा होता है कि वो डोरेमोन को नहीं पसंद करेगी, तो यार ये जोड़ी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरे नंबर की जोड़ी। तो ये दूसरे नंबर की जोड़ी थी यार जो इची मेरा दोस्त है जो उसमें थी, जो गाना गा रही थी, आप लोगों को याद होगा यार, शायद याद होगा, ध्यान से याद करो, तो वो गाना गा रही थी। तो हम गाइस जिसको देख के हमारा डोरेमोन बहुत ज़्यादा लट्टू हो गया था उसके ऊपर। तो गाइस उसने एक गिफ्ट भी दिया था, एक बेल टाइप की गिफ्ट भी दिया था जो आगे चल के चोरी हो गया था, तो इची ने उसको चोरी करा था। तो कोई बात नहीं, वो चोरी कर, लेकिन डोरेमोन को वो बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन उसने डोरेमोन को एक तरीके से धोखा दे दिया था, लेकिन बाद में वो डोरेमोन को मानने लग गई थी और डोरेमोन भी उसको लव करने लग गया था। लेकिन गाइस वो जो कहते हैं ना कि जब आप एक दूसरे को करते हो तो फिर मतलब कुछ ना कुछ होता ही है, तो गाइस वही हुआ था डोरेमोन के साथ, जो वो जो लड़की थी डोरेमोन की जो दोस्त थी वो भी रोबोट ही थी, और डोरेमोन भी रोबोट था, नहीं वो रोबोट नहीं सर वो रियल थी और डोरेमोन रोबोट था। तो इनके अगर जोड़ी तो मतलब अच्छी होती, लेकिन गाइस वो प्लेनेट चला गया, आप लोग जानते हो वहाँ पे फिर मतलब आप लोग जानते हो कि एस्टेरॉइड्स गिरने लग गए, जिसकी वजह से यार वो जो प्लेनेट था वो लोग शिप में बैठ के वो लोग किसी और प्लेनेट में चले गए। तो गाइस यही थी इसी वजह से यार ये स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई और हमारा बेचारा डोरेमोन एक और बार फेल हो गया। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरी कैट के बारे में, जिसका नाम था होयाको ऐसे कुछ नाम है, जो पिंक कलर की, आप लोग जानते हो डोरेमोन की सबसे पहला मतलब वो जो कहते नहीं, सबसे पहला डोरेमोन ने उसको देखा था, और पहला वो जो गाना याद आता ना, पहला प्यार है, तो यही 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 चीज़ डोरेमोन के साथ हुई थी हमारे। और गाइस डोरेमोन तो यार उसको देख के एकदम लट्टू सा ही हो गया था, लेकिन गाइस बाद में हुआ था ना कि जब जैसे ही डोरेमोन का कान कटे और मतलब उसने रंग छोड़ दिया, मतलब ऐसा बिल्कुल हमारा नीला कलर का डोरेमोन बन गया, उसके बाद उसने शायद ऐसा कुछ छोड़ दिया था हमारे डोरेमोन को, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन गाइस कोई बात नहीं। और फिर गाइस आपको पता है उस रोबोट कैट ने भी अपना ट्रांसमिशन तो है वो भी मतलब एक पिंक कलर की डिफरेंट टाइप की दिखने वाली रोबोट में ट्रांसफ़र हो गई थी, जो भी बहुत कूल लग रहा था। तो गाइस मुझे लगता है ये और डोरेमोन के बिल्कुल परफेक्ट जोड़े बनते हैं, क्योंकि गाइस डोरेमोन भी एक रोबोट है और वो भी गाइस एक रोबोट है, तो गाइस आप लोग जानते हो रोबोट रोबोट की बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी वाली। तो गाइस इसमें आप लोगों का क्या कहना है यार कि कौन रहेगा डोरेमोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट और बेस्ट, तो ऊपर आई बटन पे मैंने वोट करना है, आपको क्लिक करना है और वोट करने की कौन रहेगा डोरेमोन के लिए बेस्ट, तो यार वोट जरूर करना। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।